हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी का हिसाब किताब उसके ही सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने बिगाड़ दिया है। ब्रजेंद्र सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी उम्मीदों के साथ उम्मीदवार बनाया था। हैवीवेट नेता ब्रजेंद्र सिंह के बेटे होने और साथ में आईएएस अधिकारी होने के नाते ब्रजेंद्र सिंह से बीजेपी को बहुत सारी उम्मीदें थी। बीजेपी के समर्थन में चल रही आंधी में ब्रजेंद्र सिंह 3.5 लाख से वोटों से ज़्यादा से एमपी भी बन गए, लेकिन उसके बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ब्रजेंद्र सिंह से जिस नेतागिरी की, जिस परफॉर्मेंस की, जिस वर्किंग की उम्मीद बीजेपी हाईकमान कर रहा था, वो उस कसौटी पर जरा भी खरे नहीं उतरे। परफॉर्मेंस के मामले में ब्रजेंद्र सिंह हरियाणा के सभी बीजेपी सांसदों में सबसे फिसड्डी हैं, यानी वो परफॉर्मर के तौर पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और यही वजह है कि 2024 को लेकर बीजेपी हिसार सीट को काफ़ी खतरे में मान रही है। ब्रजेंद्र सिंह ना तो अपने लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव हो पाए, ना वो सभी गांव में जा पाए, ना वो पब्लिक का दिल जीत पाए और न ही जाट वोट बैंक के नेता बन पाए। ये सारी वजह ऐसी हैं जिनके चलते बीजेपी को 2024 के लिए हिसार सीट पर अपने प्रत्याशी को लेकर गहन मंथन करना पड़ रहा है। बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए जिन सांसदों के टिकट काटने पर विचार कर रही है, उनमें सबसे ऊपर नाम ब्रजेंद्र सिंह का है। ब्रजेंद्र सिंह एमपी बनने के बाद अपनी अफसरी के रुतबे को नहीं छोड़ पाए, उस व्यवहार को नहीं बदल पाए और एमपी होने के बावजूद अधिकारी की ठेस उनके व्यवहार में दिखती रही। ब्रजेंद्र सिंह पूरे देश के जाट नेता बन सकते थे, क्योंकि उनके परनाना यानी छोटू राम के नाम पर उनके लिए पूरे देश के किसानों में एक बड़ी जगह है। ये जगह हासिल करने के लिए पहले ब्रजेंद्र सिंह ने भी पूरी ज़िंदगी लगाने का काम किया। उनको भी मोदी सरकार में पंचायती राज मंत्री बनाने के बाद एक बड़ा रुतबा मिला था, एक बड़ा अवसर मिला था, लेकिन वो अवसर को बनाने में वो भी नाकाम रहे। अपने पिता की तरह ब्रजेंद्र सिंह भी एक प्रभावशाली सांसद बनने में नाकाम रहे। ब्रजेंद्र सिंह से पहले इसी सीट पर दुष्यंत चौटाला ने सांसद के तौर पर अपना डंका बजाने का काम किया था। दुष्यंत चौटाला सबसे लोकप्रिय सांसद के तौर पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे थे। मोदी के आंधी में बेशक दुष्यंत चौटाला चुनाव हार गए, लेकिन ये सच्चाई है कि दुष्यंत चौटाला की परफॉर्मेंस के आगे ब्रजेंद्र सिंह जरा भी कामयाब होते हुए नजर नहीं आए। ब्रजेंद्र सिंह असल में अफसरी के चाल चलन के व्यवहार को छोड़ने में नाकाम रहे हैं। वो फील्ड के पॉलिटिशियन नहीं बन पाए हैं। हिसार जैसी पार्लियामेंट सीट के लिए लोगों से जुड़ा रहना बेहद ज़रूरी है, लोगों के काम करना बेहद ज़रूरी है और अपने आप को जनता के बीच में घुलना मिलना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इन तीनों ही कसौटियों पर ब्रजेंद्र सिंह जरा भी खरा नहीं उतरे। ब्रजेंद्र सिंह का मिजाज कुछ अलग तरह का है। वो कॉरपोरेट टाइप के नेता नज़र आते हैं, उनके व्यवहार में अफसरी नज़र आती है, वो जनता से दूर रहते हैं, वो फील्ड में एक्टिव नहीं होते हैं, यानी वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हिसार जैसे लोकसभा क्षेत्र में पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की बजाय फुल टाइम पॉलिटिक्स चाहिए होती है। अधिकांश नेता तो फुल टाइम पॉलिटिक्स के बाद भी यहाँ से चुनाव हार जाते हैं। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने फुल टाइम पॉलिटिक्स की, वो संसद में बेस्ट परफॉर्मेंस वाले नेताओं में शामिल भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जनता ने उनको हरा दिया। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह तो उस फ्रेम में कहीं भी फिट नहीं होते हैं। उनके पास बेशक से ब्रजेंद्र सिंह का बेटा होने का एक तमगा है, वो उनका एक रसूख है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 4.5 साल के दौरान ब्रजेंद्र सिंह एक सांसद के तौर पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, वो एक लोगों के, जनता के, वोटरों के चहेते नेता नहीं बन पाए, वो फील्ड के नेता नहीं बन पाए और वो अपने कामकाज और व्यवहार से छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी हिसार सीट को लेकर काफ़ी गंभीर है और वहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह का टिकट काटकर विकल्प के तौर पर प्रत्याशियों की तलाश में जुट गई है। ब्रजेंद्र सिंह भी जानते हैं कि वो अपनी पार्टी के पैमाने पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। वो अपने आप को बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है और जनता में उनके बारे में यही राय बन चुकी है कि वो काबिल नेता नहीं हैं, वो अच्छे सांसद नहीं हैं और वो लोगों के बीच में घुलने मिलने वाले नेता नहीं हैं। वो नेताओं को उस कैटेगरी में शामिल हो गए हैं जो ज़्यादा हाव भाव खाते हैं, जो जनता से दूर रहते हैं और रुतबे की और मरोड़ की पॉलिटिक्स करते हैं। यही वजह है कि ब्रजेंद्र सिंह हिसार पार्लियामेंट की जनता की नज़रों में हीरो नहीं बन पाए हैं, बल्कि वो नकारा सांसद के तौर पर ज़्यादा फील किए जा रहे हैं। जनता में उनको लेकर ना कोई लगाव है, ना कोई रुझान है और ना कोई पॉजिटिविटी है।
ब्रजेंद्र सिंह जितनी तेजी के साथ, जितने धुंधर तरीके से दुष्यंत चौटाला को हराकर हिसार से सांसद बने थे, उतनी ही तेजी से वो जनता की नज़रों से उतर गए हैं। यही वजह है कि ब्रजेंद्र सिंह को टिकट देना बीजेपी खतरे से खाली मान रही है और इसलिए हिसार सीट पर 2024 के लिए बीजेपी किसी मजबूत जाट प्रत्याशी की तलाश में जुट गई है। उनके दावेदारों के विकल्पों के तौर पर जहां कैप्टन अभी मन्नू का नाम लिया जा रहा है, वहीं पर सुभाष बराड़ा भी रेस में शामिल हैं और बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी हिसार से सांसद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, ख्वाहिश जता चुके हैं। बीजेपी हाईकमान की रिपोर्ट भी यही कहती है कि हिसार के सांसद के तौर पर ब्रजेंद्र सिंह जरा भी कामयाब नहीं हुए हैं। वे बीजेपी के उन नकारा सांसदों की कैटेगरी में डाल दिए गए हैं जिनसे अब बीजेपी हाईकमान को कोई उम्मीद नहीं है। यानी ब्रजेंद्र सिंह को लेकर हाईकमान पूरी तरह से फैसला कर चुका है कि टिकट काटने वाले सांसदों की सूची में ब्रजेंद्र सिंह भी टॉप के 10 नामों में शामिल हैं। ब्रजेंद्र सिंह अगर चाहते तो हिसार से एक जीत के बाद एक बड़ा चेहरा बन सकते थे, वो प्रदेश की पॉलिटिक्स में बड़ा रुतबा हासिल कर सकते थे। वो दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा की तरह युवा नेता की बजाय एक मैच्योर और बड़े नेता की छवि हासिल कर सकते थे। ब्रजेंद्र सिंह के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके साथ में जहां चौधरी छोटूराम का नाम जुड़ा है, जहां ब्रजेंद्र सिंह का नाम जुड़ा है, तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस करके उनके नाम को बड़ा करने की कोशिश कर सकते थे। वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के जरिए अपने आप को काबिल नेता के तौर पर दिखा सकते थे। आईएएस अधिकारी के तौर पर उन्होंने अपना डंका बजाया था, उन्होंने अपना रुतबा छोड़ा था, इम्प्रेशन छोड़ा था, लेकिन सांसद के तौर पर वो पूरी तरह से फेल रहे हैं। वो ना तो काबिल सांसद बन पाए, ना वो काबिल नेता बन पाए और ना ही जनता के दिलों पर छाप छोड़ने वाले नेता बन पाए। यही वजह है कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान ब्रजेंद्र सिंह हिसार की जनता के हीरो नहीं बन पाए हैं और वो फेल नेताओं की कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने 5 साल के कार्यकाल में जनता का दिल जीतने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने फील्ड में ज़्यादा वो एक्टिव होने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने जनता के कामकाज कराने का प्रयास नहीं किया, वो जनता के बीच में बेहद कम नजर आए। ये भी कह सकते हैं कि इस साल के 365 दिनों में से सिर्फ 65 दिन ही जनता के बीच कार्यक्रमों में नजर आए हैं। यही वजह है कि हिसार की पॉलिटिक्स में वो नकार दिए गए हैं, जनता उनसे नाराज हो चुकी है, जनता उनसे निराश हो चुकी है और 2024 में उनको सबक सिखाने का मन बना चुकी है। और बीजेपी ने अगर 2024 के चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह को ही प्रत्याशी बनाने का काम किया तो कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी उन्हें आसानी से हरा देने का काम कर जाएगा। बीजेपी भी इस खतरे को अच्छी तरह से जानती है, इसलिए बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर ब्रजेंद्र सिंह को दोबारा टिकट देने के मूड में नहीं है। बीजेपी के खुद के सर्वे में भी साबित हो चुका है कि ब्रजेंद्र सिंह को लेकर हिसार संसदीय क्षेत्र में जनता और वोटरों दोनों में नेगेटिविटी है, नाराजगी है और विरोध है। इन तीनों कारणों के चलते बीजेपी ब्रजेंद्र सिंह को किसी भी सूरत में टिकट देने का काम नहीं करेगी। ब्रजेंद्र सिंह भी समझ गए हैं कि उनके लिए टिकट हासिल करने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन वो 2019 के चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। 2000 के लोकसभा चुनाव के चंद महीनों पहले तक भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह और सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक भी ऐसी ही कैटेगरी में शामिल थे। उनके बारे में भी लोगों की यही राय थी कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे और बीजेपी उनको चुनाव नहीं लड़वाएगी, लेकिन पुलवामा हमले के बाद हुए एक्शन के बाद अचानक ही पूरी फिजा बदल गई, पूरा माहौल बदल गया, पूरी तस्वीर बदल गई और दोनों ही नेताओं को बीजेपी ने दोबारा टिकट देने का काम कर दिया। बीजेपी की लहर में, मोदी की सुनामी में धर्मवीर सिंह और रमेश कौशिक फिर से सांसद बन गए। ब्रजेंद्र सिंह भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगले लोकसभा चुनाव से फिर कोई बड़ा करिश्मा करेंगे, फिर कोई बड़ा कारनामा करेंगे जिसके चलते उनकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और जनता सिर्फ मोदी के नाम पर उनको वोट देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा सोचना फिलहाल कल्पना ही कहा जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो ब्रजेंद्र सिंह के लिए चारों तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी नज़र आती है और उस नेगेटिव में उनके जीतने का कोई चांस या गुंजाइश नज़र नहीं आते हैं। बीजेपी हाईकमान भी फिलहाल उनके टिकट काटने का मन बना चुका है, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अगर ब्रजेंद्र सिंह को अपनी टिकट कटने में ज़्यादा आसार नजर आए तो वो 2 अक्टूबर को अपने पिता के साथ जींद में होने वाली रैली में बीजेपी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। वो भी प्लान बी पर काम कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनको रास्ते पर खड़ा कर दिया तो वो भी किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं।
2 अक्टूबर की रैली को लेकर जहां बृजेंद्र सिंह एक्टिव हो गए हैं, वहीं बृजेंद्र सिंह भी गुपचुप तरीके से अपने भविष्य के बारे में मंथन कर रहे हैं। वो अपने पिता के साथ ही जाने का फैसला लेंगे। अब देखने की बात यही है कि बृजेंद्र सिंह पिता बृजेंद्र सिंह के साथ 2 अक्टूबर को क्या फैसला लेते हैं। ये तय है कि बीजेपी बृजेंद्र सिंह को 2024 के चुनाव में हिसार से लोकसभा का टिकट नहीं देगी। यही वजह है कि पिता बृजेंद्र सिंह के साथ बृजेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को बड़ा फैसला ले सकते हैं। यानी जनता की नाराजगी के चलते जहां बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी, वहीं बृजेंद्र सिंह नया रास्ता तलाशने की राह में आगे बढ़ गए हैं। बृजेंद्र सिंह की फ्यूचर पॉलिटिक्स को जानने के लिए, बृजेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के आगामी फैसले को जानने के लिए, बृजेंद्र सिंह और बीजेपी की पॉलिटिक्स के खात्मे के पॉइंट तक जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।